यौम पाकिस्तान के मौके पर शहर भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सर फहरिस्त हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम कैंप रहा, जहाँ पर सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर असलम खान देसवाली की जानिब से यौम पाकिस्तान के मौके पर शहदा के इसाले सवाब के लिए लंगर का अहतमाम किया गया, जबकि यौम पाकिस्तान की याद को ताज़ा रखने के लिए केक भी काटा गया और पाकिस्तानी बैजेस तकसीम किए गए, जिसके बाद एक ज़बरदस्त रैली का भी इनेकाद किया गया। रैली में मारूफ सियासी समाजी फलकी शख्सियात ने शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। दूसरी जानिब हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की शहर हैदराबाद में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम अवार्ड तकसीम तकरीब में असलम खान देसवाली को बेहतरीन खिदमतगार के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को भी बेहतरीन समाजी तंजीम के तौर पर अवार्ड दिया गया। आज यौम पाकिस्तान 23 मार्च के पुरमसरत मौके पर, जब हमारे मुल्क के लिए करारदाद पेश की गई 1940 में, हम वो जश्न मना रहे हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से हमने हैदराबाद शहर के तकरीबन 200 मकामात पर बैनर आविज़ा किए। उसके अलावा आज 23 मार्च को हमने एक केक कटिंग की तकरीब की, जिसके मेहमान खसूसी MNS सलाउद्दीन थे। फिर हमने गरीबों में लंगर भी तकसीम किया और हमने भी खाया। उसके बाद अभी एक रैली हमने निकाली है जो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी, और हमारे यूथ के लड़कों ने, जो एवरेस्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बेहतरीन एक प्रोग्राम पेश किया और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। मैं जनाब आसिफ सागर DM बुरोई को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी टीम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। मैं हमारे कारोबारी दोस्तों को एक पैगाम देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज यौम पाकिस्तान के मौके पर कई कारोबारी तंजीमों ने हिस्सा लिया है और हिस्सा लेना भी चाहिए, उन्हें बैनर आविज़ा करने चाहिए और मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट हैं वो करने चाहिए। हमारी जो कारोबारी तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ मार्केटों से ताल्लुक़ रखती हैं और वो इलेक्शन जीत कर यूनियन के अहदेदार मुंतखब होते हैं। उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि ज़ेर सरपरस्ती अल्लाह पाक की ज़ात है और उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद ज़ेर सरपरस्ती आका नामदार मालिक दोजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर ये ताकत आपके साथ है तो किसी शैतान की ज़रूरत नहीं कि वो आपकी रिट को चैलेंज करे। तो मैं तमाम दोस्तों को मशवरा दूंगा कि अल्लाह पे भरोसा रखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा रखें और अपने बाजुओं पर भरोसा रखें। जब तुम इलेक्शन जीत कर आते हो तो दूसरों के मोहताज क्यों हो? हमारे पास पूरी कौम थी, मुल्क की ज़रूरत थी। आज इस मौके पे मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, आज हमारे पास मुल्क मौजूद है, आज हमारे पास पाक सरजमीन मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन सरजमीन मौजूद है। लेकिन अगर कमी है तो एक कौम की कमी है। पहले हमारे पास कौम थी, मुल्क नहीं था, आज हमारे पास मुल्क है, हमें एक कौम की ज़रूरत है। तो आज का मेरा पैगाम है कि हम सबको एक होकर काम करना है, हमें एक कौम बनना है। ना सिंधी बनना है, ना महाजिर बनना है, ना पंजाबी बनना है, ना पठान बनना है, हमने पाकिस्तानी बनना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तमाम हम वतनों को मुबारक हो इस दिन पे 1940 में 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी, जिसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ दी कि ये हमारा वतन बना है। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इसको, प्यारे वतन को, ज़्यादा आगे लेके जाएं और ज़्यादा मेहनतें की जाएं ताकि हमारे वतन का नाम मुकम्मल तरीके से रोशन हो। बहुत शुक्रिया।